अब की बात है कुंभ मेले में, पिछली बार के कुंभ मेले की अपेक्षा बहुत अधिक हम लोगों ने मैन पावर को बुलवाया है। करीब 5100 लोग अतिरिक्त आ रहे हैं, जिसमें करीब 2700 हमारे आरपीएफ के जवान होंगे, 1500 हमारे कमर्शियल डिपार्टमेंट के होंगे, टिकट चेकिंग स्टाफ वगैरह, और 1000 जो है वो अन्य विभागों के होंगे जो कि और सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं। और निर्णय ये लिया गया है कि जो हमारे जो लोग तैनात रहेंगे, खासकर जो यात्री आश्रय में तैनात रहेंगे या स्टेशनों पर तैनात रहेंगे, और वो लोग जो कि नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ होता है, उनको हम लोग अलग से एक बहुत ही अच्छे चटक रंग की जैकेट देंगे जिसके ऊपर रेल कुंभ सेवक लिखा होगा। इसके पीछे प्रयोजन ये है कि जो एक आम यात्री है, वो आम यात्री कैसे पहचाने कि उनके आसपास कोई रेलवे का स्टाफ है जिससे कि वो मदद मांग सकते हैं, जिसकी कि वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब इस प्रकार से वो उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जरूरत पड़ने पर कोई हो सकता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, कोई छोटी मोटी जानकारी लेनी हो, लेकिन आदमी सोचता है कि किससे पूछे, तो जब आसपास उनके रेल कुंभ सेवक उनको दिखेंगे तो वो उनसे गाइडेंस ले पाएंगे। और साथ ही साथ ये रेल कुंभ सेवक जब भीड़ नियंत्रण में हमारी सहायता करेंगे तो हम लोग भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इनमें कौन हमारा रेलवे का स्टाफ है, कौन सा नहीं है। साथ ही साथ हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे, वॉलंटियर्स में हमारे जैसे स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग होते हैं, सेंट जॉन्स एम्बुलेंस ब्रिगेड होती है, और लोग जो वॉलंटियर्स हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो उनको भी हम लोग रेल कुंभ सेवक के नाम से उनको हम ये जैकेट देंगे। और साथ ही साथ उनको अलग से प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें कि उनको इस बात का एहसास कराया जाएगा कि उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा कि हमारे महाप्रबंधक महोदय